नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है हमारा चैनल चंद्रकांत नेचर में। आज संडे को चलिए हमारा गार्डन विजिट करवाता है। तो सभी कौन कौन सा वेंटर प्लांट में फ्लावरिंग हो रहा है फ्रेंड्स, तो आज का संडे सबके लिए मंगलमय हो और सब अच्छे से होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हमारा गार्डन विजिट करते हैं फ्रेंड्स। हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करके बताइएगा, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए डहलिया फ्लावर के साथ गार्डन में एंट्री करते हैं फ्रेंड्स। से देखिए कितना बड़ा साइज का है ये ना, दोनों हाथ में भी पकड़ेंगे तो आएगा नहीं। ये कैमरा में बहुत छोटा साइज का दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा फ्लावरिंग हुआ है फ्रेंड्स। ये सब जितना बड़ा पॉट में दोगे उतना बड़ा साइज होता है। और ये इधर भी ना, ये देखिए कई बड़े बड़े साइज में दो तीन कलर का ये फ्लावरिंग हुआ है। ये छोटा छोटा पॉट में लगाए हैं उतना सक्सेस नहीं हुआ है, बड़ा पॉट में लगाओ। ये बड़ा सा कूलर का टैंक है 4x4 का, उसी में ये लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो देखिए बड़ा साइज का खिला है। तो आप भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा फ्लावर लवर हो, इनको हाथ लगा के ना बात करो तो ये इनका मन ही नहीं भरता है, हमारा इंतज़ार करते रहते हैं जब भी आए और इनसे बात करें। तो हम से तो बात नहीं कर सकते लेकिन हमारा भाषा को ज़रूर समझते हैं फ्रेंड्स। इनसे ना थोड़ा सा केयर करो, हाँ इनको ज़्यादा केयर एकदम भाव से वो करो और प्यार से पानी छिड़क दो, तब भी ना ये फ्लावरिंग करते हैं। थोड़ा सा चारों तरफ गार्डन लगा के ज़रूर देखिएगा, ये मन को अच्छा लगता है। फ्लावरिंग प्लांट को देखोगे तो कितना खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। हरियाली बड़ा बड़ा बड़े ही फ्लावरिंग ना हो लेकिन हरियाली भी थोड़ा सा लग कर लोगे, आसपास अपना जगह भी नहीं रहता। तो देखिए हम टेरेस में गार्डन कर लिए हैं छोटे छोटे पॉट में और कम खर्चा में भी। हाँ थोड़ा थोड़ा ना ये मेरी गोल्ड अगर भी लगा लेते हैं बीच से, हम एक कलांचू खरीदे तो कई कलांचू बना लिए हैं। देखिए ये भी हिबिस्कस को भी ना कहीं से कटिंग ला के आप गार्डन लगा सकते हैं फ्रेंड्स। हरियाली हो अब फूली फूल चारों तरह तो मन में पॉजिटिविटी आता है और सब अच्छा ही अच्छा होने लगता है। भगवान के पूजा के लिए भी काम हो जाता है। तो आप भी ना कहीं से कटिंग से आसपास से लेके ज़रूर गार्डन लगाइएगा। और ज़रूरी नहीं है हम किचन वेस्ट कंपोस्ट में भी ना ये देखिए हम यूज़ करते हैं कितना फ्लावरिंग होता है। बाहर से महंगा कंपोस्ट खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरी गोल्ड फ्लावर तो एक बीज से लगा दोगे तो सैकड़ों प्लांट हो जाता है। देसी भी देखिए कितना फूल ब्लूम पे है फ्रेंड्स। छोटे छोटे पट में लगाए हैं तब भी ना बहुत ही फ्लावरिंग हो रहा है। ये मेरी गोल्ड भी देसी वेराइटी का, इसमें भी फ्लावरिंग होता रहता है फ्रेंड्स। इधर सब हार्डी प्लांट में भी ना सॉफ्ट ग्रीन के बाद अब सब फ्लावरिंग होने लगा है। इधर कनेर का है, इधर सब ना ऐसे ही गार्डन चारों तरफ से है। इधर हम अडेनियम का कटिंग करके रख दिए हैं शेडी प्लेस में। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले और हमारा वीडियो देखने के लिए भी धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय।